यही कर रहे हो भाई, कुछ चलाए को बैठे चल रही पूरी मिलेंगी तुम्हें। मंत्री ओ महाराज, सारी अर्च नगरिया में ढोला पीट दो, कोई भी नारायण के नाम का जाप करता मिल गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। पीले वस्त्र पहनने वाले, हरी माला गले में जाप करने वाले या गले में डारने वाले यज्ञ हवन करते मिल जाए, पकड़ो सूली पर चढ़ा दो, क्योंकि भगवान हूँ मैं, हूँ ईश्वर हूँ मैं, हूँ जो कुछ हूँ मैं हूँ तुम हो बिल्कुल। और ये नहीं है कहते लेने के रहेगी। सुनो तो महाराज, जब आप ही हंस रहे हैं, देखो देखो काऊ काऊ की हसत पर लाड़ निकल जाती। अरे फौज देखो जीव तो चाट ली, देखो देखो पहुंच ही जी सोल फोल नहीं नहीं हम चिल्लाए ना, हम तुम्हारी समझ मैं क्या कह रहा हूँ इधर सुन, तुम गुस्सा में अदा करेगा कहेंगे सारी एरिच नगरिया में ये ढिंडोला पीट दो जी। कोई भी यज्ञ कल से कोई मत यही हवन कर भी बता रहा हूँ ही नहीं बाबू, सही कह रहे हैं तुम्हारी सुन। अब खूब रोजाना 10 बजे लो सोंगे और 11 बजे गजक पट्टी खाए बेचने। मंत्री ओ महाराज, हरी नाम माला जाप करने वाले, पीले वस्त्र वाले, यज्ञ हवन करने वाले मिल जाएं, पकड़ो सूली पर चढ़ा दो, फांसी लगा दी ना, पकड़ रहे तू पलंग पकड़। ये फोटो आए जे जे फ्री में आए थे हमें लग रही, हटा दो रहने दो बेचारों पे ऐसी मरो हो गए ही ना, देख लो जल्दी करो। हे महाराज मैं जाको मारूंगा, नहीं नहीं निर्दोष को नहीं, निर्दोष को नहीं, नहीं एक को मार लेंगे महाराज, मैं जाई को मारूंगा एक। शायद तू भूल गया किसके सामने बात कर रहा है। ओ माय गॉड ही नहीं तुम्हारी सुन, मैंने कुछ कहा जल्दी कर, ठीक है ध्यान देंगे कल से कोई कथा सुनने नहीं आएगा, नहीं हवन पे आएगा, अगर कोई भी आया तो उसे नहीं सो नहीं, हम सही बता रहे हैं कल से कोई हवन करना नहीं है, वो हमारी इनकम कम आ जाएगी। और बताओ महाराज, और बताओ कल से कोई भी कथा सुनने नहीं आएगा, अगर कोई भी पंडाल में आया तो उसको फांसी पे टंगवा दिया जाएगा, और जो हवन करने के लिए आएगा उसको भस्म कर दिया जाएगा। सही है महाराज, हम सही कह रहे हैं, और जो भी ज्यादा जबरदस्ती करके आएगा तो उसको मटर पनीर खवाई जाएगी और शाही पनीर भी खवाई जाएगी। देखो महाराज देखो हसत हसत देखो रोज लेकर है देखिए। मतलब तू कुछ ज्यादा ही बोलता जा रहा है। नहीं कल से कोई नहीं आएगा सब, मंत्री कल से सब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, तो डूब जाऊंगा महाराज। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सारी सभा में अनाउंस कर दिया। फोटो भाई हमें बचा लियो पानी में डूबे जाएं तो। भैया सारी एरिच नगरिया में निडोला पिटवा दिया, भगवान के भक्त सताए जाने लगे, पृथ्वी माता दहलाने लगी, सभी भगवान के भक्तों ने मिलकर के श्री हरि नारायण भगवान की स्तुति की है। तभी आकाशवाणी हुई, देव वृंदु आप परेशान हो, उसी के घर में एक ऐसा प्रतापी बालक आने वाला है जो अपने बाप का प्रताप घटाएगा और ब्रह्म का प्रताप बढ़ाएगा। आप शांत रहे। इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु, वो गर्भ से देवताओं की कृपा से गर्भ से इंद्र ने सोचा अगर कयाधु के होने वाला बालक हिरण्यकश्यपु जैसा ही हो गया तो फिर हिरण्यकश्यपु का और ज्यादा प्रताप बढ़ जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, कयाधु को घर से हरण कर लिया और हरण करके लेके चला। रास्ते में देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी कहने लगे
हे इंद्रदेव इस कैयाधु को मत ले जाओ, इस कैयाधु को मेरे हवाले कर दो। इंद्र कहने लगा, महाराज ये कैयाधु गर्भ से है, इसका होने वाला अगर बालक हिरण्यकश्यपु जैसा निकल आया तो ये अपने बाप का प्रताप बढ़ा देगा। तो नारद जी ने कहा है कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि कैयाधु के होने वाला जो बालक है ना, वो अपने बाप हिरण्यकश्यपु का प्रताप घटाएगा और ब्रह्म का प्रताप बढ़ाएगा। एक काम करिए, आप इस कैयाधु को मेरे हवाले कर दीजिए। इंद्र कैयाधु को नारद जी के हवाले करके चले गए। अब नारद जी कैयाधु को लेकर मधुचंदा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर ले जाकर नारद जी भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीरों के दर्शन कराते हैं। मेरी मैयाओं एक बात याद रखना, आज भी कोई बड़ी बात नहीं है ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटा पैदा करना, आज भी कर सकती हो अगर वो नियम कर लो तो। गर्भवती स्त्री को ना ही गलत चित्र देखने चाहिए, क्योंकि प्यारे चित्र का गर्भ में पलने वाले बाल के चरित्र पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गर्भवती स्त्री को सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं, रामायण जी, गीता जी, कुछ नहीं हो तो भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन करने चाहिए। लेकिन आजकल घर में राम कृष्ण की तस्वीर आपको बहुत कम से कम मिलेगी। महाराज आजकल जब कलयुग के देवी देवता ही कोई और रह गए, को रह गए